वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया बिस्मिल्लाह कहते हुए वुजू करो। वाज़ह रहे कि वुजू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अर्रहमान अर्रहीम के अल्फाज का इजाफा सुन्नत से साबित नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वुजू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वुजू नहीं। फिर दोनों हाथ पहुंचो तक तीन बार धोएं। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान खिलाल करें, यानी सिर्फ ऊपर से नहीं धोएं बल्कि अंदर के हिस्सों को भी गीला करें उंगलियों में उंगली डाल के। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल तीन दफा करें। फिर तीन बार मुंह धोएं यानी चेहरा। फिर एक चुल्लू लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खिलाल करें। फिर दायां हाथ कोहनी तक तीन बार धोएं। फिर बायां हाथ कोहनी तक तीन बार धोएं। एल्बो को कहते हैं कोहनी, और ये जो हड्डी है ये शामिल होनी चाहिए उसमें। फिर सर का मसा करें। दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक पीछे ले जाएं, यानी जहां तक बालों की जड़ें हैं। फिर पीछे से आगे उसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था, यानी जैसे खवातीन के बाल लंबे होते हैं या उनके उलझने का डर होता है, तो आप उसको इस तरह करके भी आहिस्ता आहिस्ता ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे बाल पीछे से आगे उल्टाएं। आपने सर का एक दफा मसा किया, सर का मसा तीन बार नहीं एक बार, लेकिन पूरे सर का मसा। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजरकर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजार कर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। अंगूठे पीछे और शहादत की उंगली सुराखों के अंदर। फिर दायां पांव टखनों तक तीन बार धोएं और बायां पांव भी टखनों तक तीन बार धोएं। यानी अगर आप टैब के आगे भी धो रहे हैं तो उसको तीन दफा पांव को हिला लें, और अगर आप पानी हाथ से डाल के कर रहे हैं तो तीन चुल्लू डाल लें। जब वुजू करें तो हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करें, यानी पांव की उंगलियों के अंदर भी उंगली डालें छोटी उंगली।